गुवाहाटी में खेले गए भारत और श्रीलंका के बीच पहले वनडे मैच में भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला है। मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका की टीम को 374 रनों का लक्ष्य दिया और जवाब में श्रीलंका की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों के आगे पस्त नजर आई और पूरी टीम 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 306 रन ही बना पाए और अंत में टीम 67 रनों से मैच हार गई। और श्रीलंका की पारी में उमरान मलिक ने गजब का कहर बरपाया और उन्होंने अपने 8 ओवर में 57 रन देकर 3 विकेट झटके। उमरान ने निशांक और असमलका जैसे श्रीलंका के धाकड़ खिलाड़ियों के विकेट चटकाए और वे भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। और उमरान ने श्रीलंका की पारी में 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी और उन्होंने इस गेंद पर निशांक को आउट किया। और उन्होंने इस ओवर में 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज गेंद फेंकी और उन्होंने ब्रेडली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 156 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। और उमरान मलिक ने 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ गेंद फेंकने के साथ में भारत की ओर से सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं। और उनके पहले जगपाल श्रीनाथ ने भारत के लिए 154.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी जो उन्होंने 1999 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फेंकी थी। तो दोस्तों, अगर आप भी उमरान मलिक को एक बेहतरीन बॉलर मानते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।